हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा त्रिकोणमिति वैल्यू टेबल अर्थात ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे त्रिकोणमिति की जो मान सारणी होती है उनके अनुपातों की, उसको आप किस प्रकार से निकालते हैं। ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले आपको 5 पार्टों में हमने बहुत सारे इनके क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको भी दोस्तों आप देख लें। यदि आपने ना देखे हो तो पूरी पीडीएफ पढ़िए दोस्तों, सारे के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, वहां से आपको दोस्तों 500 के 500 पार्ट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए पिछले वाले पार्ट में दोस्तों हमने इनके मानों को बताया था किस प्रकार से आप अलग अलग कोणों पर त्रिकोणमिति के अनुपातों को निकालते हैं। वो दोस्तों हमने आपको 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे बताया है। अब यहाँ पर देखिए आप टेबल को याद कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही एक ट्रिक के माध्यम है, उसके माध्यम से आप किस प्रकार से टेबल को याद रखेंगे वो यहाँ पर आपको बताएंगे। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दोस्तों हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने एक समकोण त्रिभुज लिया इस प्रकार से, और यहाँ पर आपके मान लीजिए कोण थीटा है, ये त्रिभुज का नाम दे दें आप ए बी सी, और इसका ये वाला कोण थीटा है। तो इस कोण के लिए दोस्तों आप त्रिकोणमिति अनुपातों को देख रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहने का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जो बचे हुए हैं दोस्तों वो इन्हीं के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं अर्थात व्युत्क्रम होते हैं, तो उनको आप बाद में निकाल लेंगे इन्हीं के माध्यम से। तो बात करते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा मतलब होता है कोण थीटा का साइन, कोण थीटा का साइन कहने का मतलब होता है दोस्तों साइन थीटा, तो शॉर्ट में बोलते हैं आप साइन थीटा, तो आप याद रखेंगे साइन ऑफ थीटा या फिर थीटा का साइन। तो ये दोस्तों आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहां पर देखिए पहले आप 0 पे देखेंगे, तो 0 पे कहने का मतलब है दोस्तों आपने थीटा को 0 कर दिया, अर्थात आपने ए बी और यहां पर आपका सी था, तो सी को दोस्तों आप यहां पर ले आए, अर्थात यहां पर ले आए ऊपर बिल्कुल, तो थीटा दोस्तों यहां पर आपका 0 के लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका ए बी बराबर ए सी हो जाता है। तो यहां पर देखिए आप निकालते कैसे हैं, अंडर रूट के अंदर दोस्तों आप लिखेंगे, यहां पे अंडर रूट के अंदर करेंगे यहां पर आप 0/4 पहले वाले में, दूसरे वाले में करेंगे आप अंडर रूट के अंदर 1/4, और अगले वाले में करेंगे 2/4, और फिर अगले वाले में करेंगे आप 3/4, और यहां पर आप करेंगे 4/4। तो यहां पर आपको याद रखना है रूट के अंदर आपको करना है 0, 1, 2, 3, 4, और हर में करना है दोस्तों आपको 4, 4, 4, 4। अब यहां पर देखिए दोस्तों 0 का वर्गमूल आपका 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 0/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0। उसके बाद देखिए 1/4 अंडर रूट के अंदर है, तो इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों आपका 1/4 का वर्गमूल 2, तो यहां पर आपका 1/2 आ गया, तो साइन 30 का मान 1/2। वैसे ही आप अगले वाले को निकालिए, 45 पे निकालिए, यहां पर आपका है रूट 2/4। यहां पर देखिए दोस्तों आप 2 को अंदर लिख देंगे रूट के अंदर, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, और बट्टे दोस्तों आपका 4 का 2 होता है, तो रूट 2/2 का मतलब होता है देखिए रूट 2/2। यदि आप 2 को लिखना चाहें दोस्तों रूट के फॉर्म में, तो आपका रूट 2 × √2 होता है, आप याद रखेंगे, तो इसको आप काट दें तो आपका 1/√2 आता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आपका 2 होता है दोस्तों, ये √2 × √2 होता है, अर्थात जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होता है। तो इसी को दोस्तों आप इस फॉर्म में लिख देंगे, और इसको आप काट देंगे तो आपके पास में 1/√2 बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बराबर 1/√2। और वैसे यहाँ पर करेंगे दोस्तों आप √3/4 का वर्गमूल आपका 2 आ गया, तो √3/2 यहाँ पर निकल के आता है साइन 60 का मान, और यहाँ पर साइन 90 का मान दोस्तों आपका 4/4 है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 4/4 का मतलब दोस्तों आपका √1, और √1 का मतलब दोस्तों आपका 1 होता है, तो ये आपका साइन 90 का मान आपके पास में निकल के आता है। तो इस प्रकार से आपके पास में दोस्तों साइन थीटा के मान अलग अलग कोणों पर आपको निकल के प्राप्त हो गए। अब आराम से दोस्तों आप इनके माध्यम से ही निकाल सकते हैं कॉस थीटा को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको निकालना है कॉस के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए कॉस का पता होना चाहिए, कॉस जो होता है दोस्तों वो होता है कोसाइन, कोसाइन थीटा कहने का मतलब है दोस्तों एक प्रकार से साइन का ही पूरक होता है। यहाँ पर देखिए जब आप लिखेंगे कोस 90 − थीटा, तो आपको मिलता है दोस्तों साइन थीटा, तो इसी का प्रयोग करके दोस्तों आप आराम से निकाल लेंगे कॉस के मानों को। तो यहाँ पर देखिए कॉस यदि आपको 0 पर देखना है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको 90 − थीटा को 0 रखना, 90 रखना पड़ेगा, तब आपको 90 − 90 0 मिलेगा। तो 90 आपने रखा तो आपका साइन क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा, तो कहने का मतलब है कॉस 90 − 90 आपका 0 हो गया, बराबर आपका साइन 90।
तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 बराबर साइन 90 होता है, तो कॉस 0 बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर देखिए आपको निकालना है अगले वाले को, 30 को निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, कॉस 90 माइनस 60 कर देंगे, तो आपको घटाने पर 30 मिलेगा, कॉस 30 मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर, साइन 60 के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका साइन 60 के बराबर। तो इसे आप लिखेंगे बराबर साइन 60, और साइन 60 का मान होता है दोस्तों √3/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2 साइन 30, कॉस 30 का मान। और वैसे आप अगला निकालेंगे तो वो आपका दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, यदि आपको निकालना है 45 पे, तो यहाँ पर आपको 45 ही रखना पड़ेगा, इक्वल टू आपका साइन 45। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कॉस 45 का मान जो हो जाएगा वो साइन 45 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका 1/√2 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके दोनों के मान 45 पे समान होते हैं, क्योंकि दोनों को घटाने पर बिल्कुल आपको समान मिलता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस कहाँ पर निकालना है, 60 पर देखना है, तो आपका 90 माइनस 30 कर देंगे, तो ये दोस्तों आपको मिलेगा साइन 30, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस 30 आपका 60 हो गया, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, 1/2, तो ये दोस्तों आपका 1/2 हो जाएगा। और वैसे आपको 90 पर निकालना है, तो आप कर देंगे कॉस 90 माइनस 0 कर देंगे, बराबर साइन 0, तो यहाँ पर आपका आ गया कॉस 90 माइनस 0 90, इक्वल टू आपका दोस्तों साइन 0 का मान 0, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलता है 0। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर कॉस के मान आ गए अलग अलग कोणों पे। अब आप निकालेंगे दोस्तों टैन को। अब देखिए टैन को कैसे निकालेंगे आप, टैन का भी फॉर्मूला होता है साइन के और कॉस के टर्म में। टैन बराबर होता है दोस्तों टैन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप कर देंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यदि आपको 0 पर निकालना है तो आपका साइन 0 बट्टे कॉस 0 कर देंगे, जो कि आपको मिलेगा दोस्तों 0/1 बराबर। देखिए 0 में आप किसी भी नंबर का भाग देंगे दोस्तों तो आपको 0 ही प्राप्त होता है, तो ये आपका 0 आ गया। अगला निकालेंगे आप काहे पे, टेन 30 पर निकालेंगे, तो आपका 30 और 30, तो साइन 30 का मान दोस्तों आपका 1/2, और कॉस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, तो आपका 1/√3 निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 45 पर निकालना है, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√2/1/√2, जो कि दोस्तों आपको 1 देगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा 45 पे। वैसे आपको निकालना है 60 पे, तो यहाँ पर आप 45 की जगह पर कर देंगे साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू आपको मिलेगा, ऊपर दोस्तों आपका √3/2 है साइन 60 का मान, और इसका मान 1/2 है कॉस 60 का मान, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास में बचेगा √3, तो यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा। और वैसे ही आपका टेन 90 का मान जो होगा वो दोस्तों हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90 बराबर दोस्तों साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। 1/0 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, जब भी आप दोस्तों किसी भी नंबर में 0 का भाग देंगे, कोई भी नॉन नंबर आपका होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, और उसमें आप 0 का भाग देंगे तो आपको अनंत मिलेगा, याद रखेंगे आप, इसे आप बोल देंगे अनंत अर्थात इन्फाइनाइट, इस प्रकार का साइन होता है। इसको दोस्तों आप अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित कहने का मतलब है जिसे आप परिभाषित नहीं कर सकते वो आपका अनंत कहलाता है। तो ये दोस्तों आपके पास में त्रिकोणमिति के 3 अनुपात आ गए। अब जो बचे हुए 3 अनुपात हैं दोस्तों उनको आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपका साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, कोसेक थीटा जो होता है दोस्तों आपका 1/sin थीटा होता है, तो आराम से आप निकाल लेंगे। थीटा की जगह पर यदि आप 0 को रखेंगे तो आपको 0 के मान मिल जाएंगे, और वैसे आप 30 का मान रखेंगे तो आपको 30 का मान मिल जाएगा, तो सारे के सारे आराम से मिल जाएंगे। और वैसे ही आपको यदि निकालना है सेक को, सेक थीटा, ये दोस्तों आपका होता है कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा कर देंगे यहाँ पर आप। कॉट को निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो टेन थीटा यहाँ पर आप कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनके माध्यम से आराम से जो बचे हुए 3 अनुपात हैं उनको भी निकाल सकते हैं। आप देखिए दोस्तों बचे हुए मानों को आप देख लीजिए, कन्फर्मेशन के लिए आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर हमने दोस्तों अनुपातों को लिखा है, और ये आपके बचे हुए जो आपके पहले से मान हैं उनको छोड़ा है, आप जिनको निकालेंगे मिटाते जाएंगे। देखिए अपोजिट करना है आपको कोसेक थीटा, कोसेक 0 पे दोस्तों आपका साइन 0 का मान होता है 0,
तो इसका उल्टा कर देंगे आप। जीरो का उल्टा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीरो का जो उल्टा होता है दोस्तों या फिर आपका व्युत्क्रम होता है, एक बट्टा जीरो होता है, अर्थात एक बट्टा जीरो मतलब अनंत होता है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जीरो बराबर होता है जीरो बट्टा एक। तो यहाँ पर देखिए जीरो बट्टा एक का उल्टा आपका एक बट्टा जीरो हो जाएगा, जो कि आपका इन्फाइनाइट होता है, तो यहाँ पर आपका अनंत हो जाएगा। वैसे ही आपका 30 पे एक बट्टा दो का उल्टा कर देंगे आप, तो एक बट्टा दो का उल्टा दोस्तों दो हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर आपका एक बट्टा रूट दो का उल्टा कर देंगे आप, रूट दो हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही आप रूट तीन बट्टा दो का उल्टा कर देंगे तो दो बट्टा रूट तीन हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर आप एक का उल्टा करेंगे तो आपको एक ही मिलेगा। तो ये पहले मान आ गए कोसेक थीटा के। और वैसे यहाँ पर आप निकालेंगे सेक थीटा का उल्टा किया आपने, वन का अपोजिट वन हो जाएगा, टू अपॉन रूट टू का अपोजिट टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री यहाँ पर रूट थ्री अपॉन टू का अपोजिट हो गया। और वैसे यहाँ पर रूट टू हो जाएगा, यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, यहाँ पर जीरो का अपोजिट इन्फाइनाइट हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर आपका जीरो का अपोजिट इन्फाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन रूट थ्री का अपोजिट रूट थ्री हो जाएगा, वन का अपोजिट वन हो जाएगा, रूट थ्री का अपोजिट वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। और इन्फाइनाइट का अपोजिट दोस्तों याद रखना आपको, देखिए ये होता है जीरो। जिस प्रकार से आपका देखिए जीरो का उल्टा इन्फाइनाइट होता है, वैसे आपका इन्फाइनाइट का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है एक बट्टा इन्फाइनाइट अर्थात जीरो। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी पूरी टेबल कंप्लीट होती है। तो ये रहा दोस्तों आपका टॉपिक, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।